सबसे बड़े की बात बता रहा हूँ बेटा, कैमरा क्लोज कर लेना, ये सबसे बसवाड़े का जिला। तुम्हें क्या लगता है ब्रह्मा ने इस संसार में मानव जाति का निर्माण किया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, काम कर दिया। तुम लोगों को समझाने के लिए बस ऐसे जरिया है, या तो प्यार से मारो या डंडा या तो गलत। जिस समय सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी उस दरमियान महादेव नारायण अलग चीजों को बच रहे थे, ब्रह्मा के हाथ में आ गया मानव को रचना कार्य ढालने के लिए और बनाने के लिए। ब्रह्मा ने मनु शत्रुपा को बनाया, बनाने के बाद उनको आदेश दिया कि संसार में प्राणियों का जन्म तुम्हें देना है, उन प्राणियों से इस संसार की रचना होगी, सारी देवी देवताओं का स्थापना होगा। मनु और शत्रुपा कहते हैं कि जो आगे मनु शत्रुपा जिन देवताओं को जन्म देते थे उससे डबल दानों को जन्म देते थे, दानों को जन्म देते थे। अब भैया ब्रह्मा को दादा कहलाए ना, वो चाहे मानव हो चाहे दानव हो। जब जब टेंशन होता था, जब ब्रह्मदेव को याद आता था, ब्रह्मदेव पहुंच जाते थे, मानव को तो बस दादा दादा करके अपना जो भी है, हे ब्रह्मदेव हमारी इस तरीके से लाचार है ऐसे वैसे है। दानव साले ना तो मानव का हुए ना भाव के हुए, दानव ब्रह्मा को बहुत गालियां देते थे। अरे तू क्यों बना डाला, कौन बोलता है पंचमुखी है तू, दोबारा इस नजर मुझे छोड़ना है। अब ब्रह्मा जी बोले साला बनाओ अभी ऊपर से गाली भी सुनो बता। अब ब्रह्मा नारायण से जब जब कहते हैं ये है नारायण, हमें बहुत गिल्टी फील, मतलब मैं इंग्लिश बोला, मुझे बहुत तकलीफ होता है जब पृथ्वी के प्राणियों से मिलने जाता हूँ, वहां के जो दानव होते हैं बहुत बड़े से शब्द बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा। जरा आप देखो तो बोलते हैं कि हे ब्रह्मदेव ये सृष्टि की रचना तुमने की है, उसका कारोबार हमने सौंपा गया है, और हम पे और महादेव पे और पूरे विश्व का पूरे सात ब्रह्मांडों का है, तो ये पृथ्वी की रचना क्यों देखी जाती हमसे। बोलते हैं ब्रह्म मैं तो यहाँ पे गालियां खा खा के थक गया हूँ। बोले अब महादेव से संपर्क कर, महादेव को जब बोलते हैं कि अब बताओ मैं क्या करूं मैं ऐसा, तो महादेव बोलते हैं ऐसे ब्रह्मा को आते देखते हैं वैसे ध्यान में चले जाते हैं। अब महादेव ध्यान में, ब्रह्मदेव बोले ध्यान थोड़ा तो नाश कर देंगे, इसलिए भैया शांति रहो। फिर इनको पुकारे, फिर आए, तो इसमें रचना रचना क्या हुई, सावित्री माता को अच्छा नहीं लगता, पति को कोई गाली दे वो सहन नहीं होता, इसलिए ये चारों तरफ से उन्होंने गेम किया, ये ना तो तुम्हारे शास्त्र में मिलेगा ना तो वेद में मिलेगा जो मैं बता रहा हूं सच्चाई। ये इंडिया के अंदर पूरे जगह पे एक ही तीर्थ है पुष्कर, पुष्कर में उन्होंने महादेव से नारायण से निवेदन किया कि जो प्राणियों को हमने बनाया है मरने के बाद उनके मुक्ति का कारण अगर कोई होना चाहिए तो हम एक तीर्थ बना रहे हैं पुष्कर, जहां पे लोग अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, उनको शांत कर सकते हैं। तो उस पुष्कर का तो हमने निर्माण कर दिया है, परंतु उसमें यज्ञ करना बाकी है। अब ये करना है तो ये करना है तो फिर हमें करना पड़ेगा, तो वहां पर शासक की माता कर देती है कि क्या वही आदिशक्ति वही परमेश्वर, वो तैयार होती है, वक्त बीता जाता है समय निकलता जाता है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे इंद्र हवन के लिए जो यज्ञ करने वाले हैं हमारा उसका टाइम जा रहा है, देखो तैयार हुई कि नहीं। बोले वो टाइम लग गया, इंद्र ने भी यहां पर कर दिया। तो एक गांव गरीब घर की एक कन्या बोलते हैं चलो उनको लेट हो रहा था कोई बात नहीं यज्ञ करता रखते हैं, उसको लेके आए उसका नाम गायत्री था।
उसको नहला धुला के साफ कपड़े पहना कर दिखाए। जैसे हवन स्टार्ट हुआ वैसे सावित्री माता पहुंची और क्रोध में ब्रह्मदेव मेरे साथ में श्राप देना। इस पुष्पक के पुष्पक के अलावा कोई भी मंदिर भैया कोई धाम नहीं होगा तुम्हारा। इस दृष्टि में तुम्हारी लिए कोई जगह नहीं है, बस पुष्कर ही है। श्राप तो लग गया ब्रह्मदेव को, चले गए भैया। ब्रह्मदेव बोले बस हो गया कल्याण। अब यहाँ संसार में तो सावित्री माता दिखती है कि भैया जिससे में है सब कुछ है, लेकिन वहां तो ठीक है। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं देवी बहुत उपकार किया, गाली खाने से बचा। तो ये ब्रह्मदेव का अपना हिसाब किताब है। लोग कहते हैं ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, मैं बना रहा हूं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश उस समय में अनाउंस करूंगा पहले ये बनने के बाद। तो सबकी अपनी अपनी एक कथा है, अपनी अपनी वर्णन है। हर कोई नहीं समझता, जो आत्मज्ञानी हो आत्मा से ज्ञान परमात्मा से ज्ञान वो सदा सर्वदा सच्चाई के मार्ग पे चलेगा। उसके आगे सब मिथ्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अभिलाषा नहीं बसता कि उसे संसार में क्या चाहिए। आज मैं हूं, रहने के लिए सब कुछ है, खाने पीने के लिए सब कुछ है, लेकिन एक ही टाइम खाता वो भी 50 बार पीछे पड़ते खा लो खा लो खा लो मेरा ठीक है खा ले कोई टेंशन नहीं। मेरे जितने इधर शिष्य है वो पागल रहते हैं, मतलब तुम लोग खाओ अपना पेट भरो मेरे पीछे मत पड़ो। मैं कभी खा भी लेता हूँ नहीं खाता हूँ नहीं खाता हूँ। तो ये सब माता महेश्वरी महादेव नारायण ब्रह्मदेव तैतीस कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि आप सभी के बीच में जो कर रहा हूं सो उनके आशीर्वाद से कर। नारियल नारियल लक्ष्मी माता का नारियल अभी पीछे नहीं आया ना। मैं सबको गा के भी सुना सकता हूं। लोग कहते हैं किसी ने कमेंट लिखा था ये लो ये महाराज ने डांस कर लिया। अरे भैया मैं पहले ही बोला था 2017 में अतरंगी बाबा मैं खर्च भी कर सकता हूं। अरे जो ज्ञान है जो ज्ञान जो गानों में है उसका भाव वही निकाल सकता है जो और अज्ञानियों को बिठा दो उस भाव का पता ही नहीं है। एक बार थोड़ी सा कमर हिला लिया ये कर दिया हो गया कल्याण। अरे भाव दिखना चाहिए, भाव नहीं है तो फिर कुछ नहीं।